एक गांव में एक नदी थी। उस नदी पर एक चुड़ैल का साया था। जब भी कोई रात में उस नदी के पास से गुजरता, वो चुड़ैल नदी से बाहर आकर उस आदमी को मार डालती थी। उसी गांव में सोना नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता ही उसकी जान की दुश्मन थी। एक बार वो कॉलेज से आ रही होती है, तभी रंगीला नाम का एक गुंडा उसे अकेले देखकर रोकता है। अरे सोना, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? हमें भी साथ ले लो। अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? हमें साथ ले लो, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर सोना को बहुत गुस्सा आता है और वो रंगीला को गुस्से में एक थप्पड़ लगा देती है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है? जहाँ अकेली लड़की देखी वहीं उसको छेड़ना चालू कर दिया, बदतमीज कहीं का। सोना, ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तुमसे इस थप्पड़ का बदला जरूर लूंगा। उसके बाद सोना भी डरते डरते वहाँ से चली जाती है और डर के मारे अपने घर वालों से भी कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद एक दिन रंगीला वहाँ पर एक बाइक पर आ जाता है और सोना से बोलता है। सोना, उस दिन मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की, मुझे माफ कर दो और चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तुम तो मेरी बहन जैसी हो। सोना उसके इतने प्यार से माफी मांगने से उसके बहकावे में आ जाती है और उसके साथ बाइक पर बैठ जाती है। थोड़ी देर घर की तरफ चलने के बाद रंगीला बाइक को जंगल की तरफ मोड़ लेता है और सोना को नदी के किनारे एक पेड़ से बांध देता है। बहुत बड़ी प्रधान बन रही थी ना, अब मजा चक। अब यहीं मर, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, जंगली जानवर तुझे खा जाएंगे। सोना रोती रहती है लेकिन रंगीला वहाँ से चला जाता है। उधर रात हो जाती है। ये मैं कहाँ फंस गई? बस एक बार यहाँ से किसी तरह निकल पाऊँ तो फिर उस नास मीठे रंगीले को सबक सिखाऊंगी। तभी सोना का रोना सुनकर चुड़ैल जाग जाती है और पानी से बाहर आती है। कौन है जो आज मेरा शिकार बनने आया है? कौन रो रहा है ये? सोना चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। चुड़ैल जी, अब मैं रो रही हूँ। सोना सोना? कौन सोना? हमारे जमाने में तो सोना सिर्फ पहनने के काम आता था। अब लोग नाम रखने लगे हैं। तुझे खाने में मजा आ जाएगा। ची, मेरा नाम सोना है। मुझे एक गुंडा यहाँ बांध कर गया है धोखे से। मुझे मत खाओ, मुझे घर जाने दो। सोना को इस तरह रोते हुए देखकर ना जाने क्यों चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है। अच्छा, अब तू रो मत, मुझे पूरी बात बता, क्या हुआ तेरे साथ? फिर सोना चुड़ैल को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था बेटी, मुझे भी एक कहवान ने ऐसे ही मार डाला था। मैं उसे अब तक ढूंढ रही हूँ लेकिन वो नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी इस रंगीला से बदला लेने में। फिर चुड़ैल सोना को आजाद कर देती है और सोना को नदी के अंदर अपने घर ले जाती है। चुड़ैल का घर बिल्कुल किसी महल की तरह होता है। अरे वाह चुड़ैल जी, आपका घर तो बिल्कुल परीलोक की तरह है। वाह मजा आ गया, ऐसा घर तो रोज मैं अपने सपने में देखती थी। अच्छा तो तुम्हें इतना पसंद आया, तो कुछ दिन तुम यही रुक जाओ। सच में वाह मजा आ जाएगा, लेकिन मैं माँ को क्या कहूँगी, उन्हें तो चिंता हो जाएगी। तुम उनकी चिंता ना करो, उन्हें मैं संभाल लूंगी, बस तुम मजे करो। फिर चुड़ैल सोना का रूप ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही चुड़ैल सोना के घर पहुँचती है, सोना की माँ बिमला सोना का इंतजार कर रही होती है। सोना कहाँ थी अब तक? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ? कोई टाइम की परवाह है या नहीं? और ये तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? लेकिन चुड़ैल गुस्सा होने के बजाय हंसने लगती है। कुछ नहीं, इन्फेक्शन हो गया है आंखों में। माँ मजा आ गया तुम्हारी डांट सुनकर। फिर चुड़ैल खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है और रात होते ही वापस चुड़ैल बनकर असली सोना के पास पहुँचती है। सोना, तुम्हारी माँ की डांट सुनकर तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई। वो भी मुझे ऐसे ही डांटती थी और फिर प्यार भी इतना ही करती थी। तुम कितनी खुशनसीब हो। वाह। फिर चुड़ैल वहाँ से सोना का रूप बदल कर वापस सोना के घर चली जाती है और फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन सोना बनी चुड़ैल को रंगीला मिलता है।
अरे जाने मन, तुम तो बहुत सख्त जान हो, जंगल से भी बचकर आ गई। तुम तो सचमुच मेरी गर्लफ्रेंड बनने के काबिल हो। और तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? पीना शुरू कर दिया क्या? अच्छा, तो लगता है ये वही गुंडा है जिसके बारे में सोना बता रही थी। इसे तो मजा जरूर चखाना पड़ेगा। चुप क्यों हो गई? बोलो बोलो, लगता है मेरी पर्सनालिटी देखकर घबरा गई। जी रंगीला जी, आप हो ही बिल्कुल हीरो जैसे। मैं तो बेवकूफ थी जो आपको पहले पहचान नहीं पाई। अच्छा, क्या आप आज रात मुझे उसी जगह मिल सकते हैं क्या? क्यों नहीं मेरी मीना कुमारी, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन रात का टाइम है। क्या मैं अपने कुछ दोस्तों को ला सकता हूँ? मुझसे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, जिसे लाना है ले आना। फिर रात को रंगीला अपने दो दोस्त बंटी और रंगा के साथ वहाँ पहुँच जाता है। रंगीला भाई, ये जंगल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ एक अजीब सा डरावना माहौल है। रंगा, ये बंटी कितना डरपोक है, जरा सा कुछ होता नहीं है कि डरने लगता है, है? तुम सही कह रहे हो रंगीला भाई, ये तो है ही फट्टू। लेकिन आप डरो मत, हम आपके पीछे हैं। तभी असली सोना वहाँ आ जाती है। तो तुम आ गए रंगीला, वाह, अभी से मेरी सारी बातें मानने लगे हो। जब तुम मान गई तो मैं भी मान गया सोना। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। तुम आ गए रंगीला, आज मजा आएगा। चुड़ैल को देखकर रंगा और बंटी वहाँ से भागने लगते हैं। भागने बेटा बंटी, नहीं तो ये चुड़ैल आज हम दोनों को कच्चा चबा जाएगी। अरे रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो दोनों? अभी तो कह रहे थे कि तुम दोनों मेरे पीछे हो। हाँ तो रंगीला भाई, सही कह रहे थे, हम आपके पीछे ही तो थे और अब भाग रहे हैं। भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। क्यों, क्या हुआ रंगीला? तेरे दोस्त तो भाग गए। कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मुझे ऐसे क्यों परेशान कर रही हो? तूने इस लड़की को परेशान किया है जो कि मेरी बेटी की तरह है, इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। उधर रंगा और बंटी भागते हुए जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रंगीला के पिता मोटाराम मिलता है। अंकल, आप जल्दी से नदी किनारे पहुंचो, रंगीला की जान खतरे में है, एक चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया है। मोटाराम जल्दी से भागता हुआ नदी के किनारे पहुंचता है। चुड़ैल ने रंगीला को गर्दन से पकड़कर उठा रखा होता है। छोड़ दो मेरे बेटे को, इसे क्यों पकड़ रखा है, छोड़ दो। चुड़ैल रंगीला को छोड़कर मोटाराम की तरफ घूम जाती है। अच्छा तो तू है इस नालायक का बाप। मुझे तो पहले से ही पता था कि तेरे जैसा ही कोई नालायक ही इसका बाप होगा। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हाँ, तू कैसे पहचानेगा दुष्ट? मैं अनीता हूँ, जिसे 20 साल पहले तूने इसी जगह पर मार डाला था। जैसे ही मोटाराम को पता चलता है कि वो अनीता है, वो डर जाता है और चुड़ैल के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। मैं तुझे माफ नहीं कर सकती, तेरी वजह से आज मेरी ये हालत है, अब तू और तेरा बेटा दोनों मरेंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल मोटाराम को मार डालती है और रंगीला की तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ सोना की माँ बिमला आ जाती है। अनीता बहन, जब तुमने मेरी सोना को अपनी बेटी मान ही लिया है तो मुझे भी अपनी बहन मानकर मेरी एक बात मानो, इस लड़के को सुधरने का एक मौका दे दो। बिमला की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है। देखा, जिस लड़की की जान तू लेना चाहता था उसके घर वाले आज भी तुझे बचा रहे हैं, और अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो यहाँ से चला जा। हाँ, और एक बात ध्यान रखना, किसी भी लड़की की तरफ अगर आंख उठाई तो ध्यान रखना उनकी एक चुड़ैल मौसी भी है जो तेरे जैसों को ठीक कर सकती है।